Assalamualaikum everybody, कैसे आप सब? I hope आप सब खैर खैरियत से होंगे and welcome back to another video. You feel like rain in the morning, giving me mixed emotions. जी तो टाइटल देख के तो पता चल गया होगा कि वीडियो किस बारे में है, लेकिन इस न्यू कार के पीछे जो स्टोरी है पैसे सारे उसके हैं. तो इस स्टोरी का सबसे पहला स्टेप ये था कि वी हैड टू सेल आर ओल्ड कार. जो ओल्ड कार थी वो हमारी थी टोयोटा GLI और इट वॉज 2012 मॉडल और हमारा इसके साथ 10 साल का सफ़र है. जी तो सबसे पहले तो हम इस कार को डीलर्स के पास लेकर गए हैं सरगोधा में जो लोकल हैं. हमारी उनके साथ इतनी कोई बात नहीं बनी और उल्टा जलालत हुई काफ़ी ज़्यादा, तो वो टॉपिक किसी और दिन का रखते हैं. हमने इस गाड़ी का एड पार्क व्हील्स पे भी लगाया. अबाउट 1 वीक में हमें कॉल आ गई, बंदा आया, उसने गाड़ी देखी, पसंद की और सेल 1650 पर हमारी ये गाड़ी सेल हो गई. जी तो डील हो गई है GLI की, बस अब आखिरी दफा देख लेते हैं गाड़ी को. नेक्स्ट स्टेप वाज टू डिसाइड विच कार वी वांट टू बाय. हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थी बट हमें एट द मोमेंट टोयोटा ग्रैंडे पसंद थी, आर्टिस्ट एक्स. तो हम शोरूम्स पर गए, हमने वो गाड़ी देखी और हम एक रैंडम शोरूम पे गए. वहाँ पे खड़ी थी होंडा टुसॉन और वो मामा को पसंद आ गई. जब वो गाड़ी हमें पसंद आ गई तो हम लोगों ने अपनी लिमिट्स को पुश किया. हमने सोचा कि उन्हें इसी गाड़ी को बाय किया जाए. आफ्टरवर्ड्स वी गॉट टू नो कि ये कार हमारी फैमिली के लिए फिजिबल नहीं है, लाइक वी आर अ 6-person फैमिली. आफ्टर 1 or 2 days वी वेंट टू होंडा शोरूम और वहाँ पे हमने सिलेक्ट 2022 देखी, जो मिड वेरियंट है ओरियल वाला. गाड़ी देखने के बाद हम सबको काफ़ी गाड़ी पसंद आई, दिल आ गया, पैसे विड्रॉ करवाए एंड डील डन. आप लोग गाड़ी चेक करें, बाकी की स्टोरी बात बताता हूँ. You feel like rain in the morning, giving me mixed emotions, and it's too much sometimes. Mix the potion, mix it up, girl, put it in motion. Are you fighting or dying? There's no compromising. Make up your mind. We're running out of time. It's so hard to try, but it feels one-sided. तो सीन ये था कि हमने गाड़ी की डिलीवरी लाहौर से लेनी थी, होंडा टाउनशिप सेंटर से. एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि हमने ये गाड़ी 5 lakh ओन पे ली है, क्योंकि अभी तक ये गाड़ी रोड्स पे इतनी ज़्यादा नहीं आई थी. तो हमने लाहौर से डिलीवरी ली और फर्स्ट ड्राइव ऑब्वियसली बाबा ने ली एंड इट वॉज सो होलसम टू सी द न्यू कार. उसके बाद वी वेंट टू चाचूस प्लेस एंड चाचू ने जब गाड़ी देखी तो उनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा होलसम था. रात के 10 बज चुके थे, हमें फिर सरगोधा आना था. हमारे पास 2 कार्स थी, एक बाबा चला रहे थे, एक मैं चला रहा था, सिर्फ एक मैं चला रहा था. तो उसकी ड्राइव आपको दिखाता हूँ, देखें. जी तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इस गाड़ी में फर्स्ट टाइम मैं ड्राइव कर रहा हूँ. इस गाड़ी बहुत स्मूथ है एक्चुअली, लाइक इसकी ड्राइव जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और सो फार इसकी जो एवरेज है वो भी बहुत अच्छी है. और मतलब जो चीज़ होती है वो कंफर्ट लेवल होता है. इसकी ड्राइव जो है वो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और मतलब बहुत अच्छी है. तो मैं काफ़ी ज़्यादा, सामने बाबा जा रहे हैं और बस मैं ये वाली गाड़ी चला रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी. जी तो फिलहाल सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अगर सरगोधा में गाड़ी निकालते हैं तो लोग एक दफ़ा मुड़ के लाजमी देखते हैं, मुझे नहीं गाड़ी को. वो तो ठीक है लेकिन मैंने पूछा नहीं था. हाँ पूछा नहीं था भाई. लास्ट में बस यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट सो फार, यू गाइस हैव बीन रियली गुड एंड स्टे कनेक्टेड. इसी तरह शुगर मिल लगा ही रखेंगे और लेट्स होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Soft even if I can see the fire.